नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्ष का लोकसभा में जोरदार हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। लोकसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जयशंकर की मौजूदगी में हुई थी मोदी ट्रंप की बातचीत। लोकसभा में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन, कहा राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी से सच्चाई सुनना चाहता है देश। विधि विरुद्ध किया कलाप, निवारण संशोधन बिल पर बोले अमित शाह, कहा जांच की होगी निगरानी, 24 घंटे में होगी पेशी। बिल के विरोध में कांग्रेस का वॉकआउट, कहा स्टैंडिंग समिति को भेजे बिल। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने संघ के नेताओं से लिया आशीर्वाद, कहा दिल्ली के निर्देश का इंतजार। सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट के फैसले का होगा इंतजार। कर्नाटक में सरकार गठन पर केंद्र नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक की स्थिति पर बोली बसपा प्रमुख मायावती, कहा लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है कर्नाटक घटनाक्रम। 24 घंटे में सरकार गिराने पर बोले कमलनाथ, आपके नंबर 1 और 2 समझदार है इसलिए नहीं दे रहे हैं आदेश। मॉब लिंचिंग के सवाल पर बोले गृह मंत्री, राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, कहा मॉब लिंचिंग का कोई कॉमन पैटर्न नहीं। मायानगरी मुंबई में भारी बारिश के कारण अंधेरी में हुआ सड़क हादसा, 8 लोग घायल, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी। कर्नाटक की स्थिति पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा एमपी में सरकार गिरी तो कांग्रेस जिम्मेदार, हम नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, मुखर्जी और दीनदयाल की मौत की जांच के लिए कोई आयोग नहीं होगा गठित, केंद्र सरकार का इनकार। लोकसभा में बोले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, कहा संसद में समीक्षा के बिना विधेयक पारित कर रही है सरकार। अपने विदाई भाषण में रो पड़े AIADMK के मनेत्रम, कहा 14 साल से ज्यादा का सफर आज खत्म हुआ। राज्यसभा से रिटायर हुए डी राजा, कहा बहुत कुछ सीखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को मिली अस्पताल से छुट्टी, मेदांता में हुए थे भर्ती। अकबरुद्दीन ओवैसी का मॉब लिंचिंग पर विवादित बयान, कहा जो डरता है उसे ही डराया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी की जगह दे विशेष पैकेज। जल्द खुलेगा गाजियाबाद का हज हाउस, NGT ने दिया आदेश। मुलायम सिंह और मायावती के कार्यकाल की परियोजनाओं की होगी जांच, SIT को मिले जिम्मेदारी। सोनभद्र हत्याकांड में 5 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 34 सलाखों के पीछे। मुजफ्फरपुर दंगों से जुड़े 20 और केस वापस लेगी योगी सरकार। बच्ची ने लिया जन्म और दावा करने के लिए पहुंच गए 3 पिता, पुलिस भी हुई हैरान। रेलवे के खाने में मिल रही थी छिपकली, सच्चाई जानकर उड़ गए लोगों के होश। पहली बार स्पेस में युद्धाभ्यास करेगा भारत, काउंटर स्पेस क्षमता को परखने की है तैयारी। ओडिशा की कोयला खदान में हुआ हादसा, 1 की मौत की आशंका, 9 लोग से ज्यादा घायल। आसमान से गुजरा चंद्रयान 2 तो डर गए इस देश के लोग, बताने लगे एलियन। सैफई में बैडमिंटन खिलाड़ी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में यामिनी मैम का जिक्र। आंध्र प्रदेश को मिले नए राज्यपाल, विश्वभूषण हरिचंदन ने ली शपथ। झारखंड में सांत्वना देने पहुंचे भाजपा मंत्री पर मृतक की बेटी ने बरसाए थप्पड़। बिहार में देह व्यापार को लेकर सियासी कोहराम, राजद विधायक का जिक्र। बेटे ने स्कूल जाने से किया इनकार तो माँ ने बुला ली पुलिस। सोनभद्र हत्याकांड, जांच करने उंभा पहुंची कमेटी, सीएम योगी ने किया था गठन। दिल्ली में संदिग्ध हालत में कमरे में मिले किशोर की लाश, केस हुआ दर्ज। मुसलमानों दलितों के लिंचिंग से नाराज, 49 दिग्गज पीएम मोदी से मांग, सख्त सजा दी जाए। IMF ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को फिर घटाया, मांग की कमी को बताया बड़ी वजह। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सभी भारतीय कंपनियों को पीछे छोड़ा। बिजनेसमैन प्रमोद मित्तल बोस्निया में गिरफ्तार, दिग्गज कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के हैं भाई। राहुल बोस ने होटल में खाने के लिए मंगवाए थे 2 केले, बिल देखकर हुए हैरान। 5 राज्यों में टैक्स फ्री हुई ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30, ओवरसीज में भी बम्पर कमाई। जानवी कपूर को मुंबई की झमाझम बारिश के बीच जिम से निकलते हुए किया गया स्पॉट, फोटोज हुई वायरल।
यूलिया को बर्थडे पर सलमान खान ने गिफ्ट की डायमंड रिंग, माँ सलमा का था आइडिया। 18 साल की फीमेल फैन का आर माधवन को शादी का प्रपोजल, एक्टर ने किया रिएक्ट। प्रियंका चोपड़ा के बाद निक जोनास की शर्टलेस तस्वीर हुई वायरल, लोगों ने लिए मजे। फैन से गिरी सारा अली खान, बॉडीगार्ड बन कार्तिक आर्यन ने बचाया। वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम इंडिया में कोई झगड़ा नहीं, COA ने किया साफ। ICC टेस्ट रैंकिंग, कोहली टीम इंडिया में टॉप पर बरकरार, भारत की बादशाह भी कायम। इमरान खान ने कबूला, पाकिस्तान में 40 आतंकवादी समूह अब भी है सक्रिय। फिलहाल 50 बड़ी खबरों के लिए इतना ही, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो से।